गुजरात में प्रधानमंत्री को ये पता चल गया है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। इतना ही नहीं, भाजपा के एक एक नेता को पता है कि आम आदमी पार्टी गांव गांव तक चली गई है, गांव गांव तक घुस गई है। लेकिन हमें ताजुब ये होता है कि अभी प्रधानमंत्री भाजपा का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रचार करने की भी जैसे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। कल उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि देखना, कांग्रेस साइलेंटली गांव गांव तक पहुंच गई है। बेसिकली कांग्रेस है ही नहीं गुजरात में, अभी कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने। उसका मतलब साफ है कि 27 साल से भाजपा इसलिए सत्ता पर थी ताकि कांग्रेस की मिलीभगत से, कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे, जरूरत पड़ी वो खरीद लेते थे, और इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सत्ता पर है। और इसलिए प्रधानमंत्री ये जानते हुए भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं कि आम आदमी गांव गांव तक, शहर शहर तक, गली गली तक घुस गई है। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा जिंदा रहे और 8-10 सीट भी लाकर आए, तो लास्ट में जब खानापूर्ति की सवाल आए, तो कांग्रेस के सभी एमएलए भाजपा खरीद चले। ये गुजरात की जनता जान चुकी है, गुजरात की जनता एक एक चाल समझ चुकी है। पिछले 10 साल में 65 कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में जुड़ गए हैं। इवन आंदोलनकारी जो कहते थे वो भी भाजपा में चले गए। उसका मतलब साफ है कि किस तरह से भाजपा एक एक बंदे को चुन चुन कर, डरा धमका कर या पैसों के लालच से अपने पक्ष में करती है। लेकिन इस बार गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, इस बार न भाजपा न कांग्रेस, सिर्फ आम आदमी।